हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजन, मैं आपका स्वागत करती हूँ फाग लक्ष्मी अनपना किचन में। आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस राजमा की सब्ज़ी। तो चले चलते हैं बनाने के लिए। बिना टमाटर बिना प्याज लहसुन के ये राजमा की सब्ज़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। एक बार ज़रूर आप ट्राई करना अपने घर पर इस तरीके से। तो आप चले चलते हैं बनाने के लिए। बनाने के लिए हमने राजमा को रात में फूलने धर दिया था, जिस फूल चुका था, और हम इसे चार सीटी लगा लिया है। हमारा राजमा देख सकते हैं इस तरीके से एकदम गल चुका है। तो आप भी इस तरीके से रात भर भिगोए और सुबह कुकर में डाल के नमक डाल के इसे इस तरीके से देख सकते हो। तो हमने उबाल के रखा है इसको। तो चलिए चलते हैं इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए एक कटोरी ले लिया। इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डालें, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच हमने इसमें जीरा पाउडर डाला है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और पानी डाल के इसे घोल बना देंगे। तो इसमें हमने घोल बना दिया और इसे साइड में रख दे रहे हैं। अब देख सकते हो, तो इसे हम साइड में रख दे रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा दे रहे हैं। अब ये कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें अब हम तेल डाल दिए, तेल भी गर्म हो चुका है। तेज़पत्ता डाल दिया है, मिर्ची डाल दिया हमने सूखा, और इसमें हम पचफोरन डाल देंगे और हींग डाल दिया हमने इसमें एक चुटकी। जो मसाला हमने घोल के रखा था वो मसाला इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से तेल छोड़ने तक फ्राई कर लेते हैं। और कोई भी सामग्री हम इसमें नहीं डालेंगे। इसमें हमने रेड चिली पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्ची, और इसे भी डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तेल छोड़ने तक। और हमने दो आलू उबाल के रखा था, अच्छे से मैश कर लिया है, और ये भी इसमें डाल के मसाले के साथ फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर तक आलू को, जिससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। क्योंकि हमने इसमें टमाटर और प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए, और हमने जो राजमा रखा था सीटी लगा के, तो वो डाल के इसे भी थोड़ी देर तक हम फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। और इसमें अब नमक ऐड कर दे रहे हैं हम। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और ज़रूर से ज़रूर ऑल बटन दबाएँ जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अब इसमें हमने एक चम्मच सब्जी मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपके पास राजमा मसाला हो तो वो ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो ज़रूर ऐड करें राजमा मसाला या सब्जी मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। हमने इसमें आमचूर्ण पाउडर लास्ट में डाला, भूल गया था, आप इसी समय आमचूर्ण पाउडर भी ऐड कर दें। इसमें हमने कस्तूरी मेथी एक चम्मच डाला है हाथ से क्रश करके, आप भी ऐड करें इसमें, और इसे अच्छे से थोड़ी देर तक और फ्राई कर लें। और आमचूर्ण पाउडर हमने लास्ट में ऐड किया है, हम पहले भूल गए थे, तो आप पहले ही ऐड कर लें इसमें। तो इसमें हमने पानी डाल दिया, पानी अपने अनुसार डालें, जैसा गाढ़ा या पतला चाहते हो उस तरीके से आप ऐड करें पानी को, वाटर को, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें एक चम्मच आमचूर्ण पाउडर डालेंगे। हम ये आमचूर्ण पाउडर डालना भूल गए थे इसलिए हम अभी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने टमाटर नहीं डाला इसलिए इसमें आमचूर्ण पाउडर ऐड किया है, जैसे टमाटर का फ्लेवर आए, उसमें खट्टापन आ जाए थोड़ा सा, और जिससे टेस्टी लगेगा ये खाने में। और इसमें हमने आधी चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। तो इसे अब मिला दे रहे हैं और ढक के पकने देंगे अच्छे से, उबाला आने तक ढक देंगे और इसे पकाएंगे बहुत अच्छे से उबाला आने तक। बिना प्याज लहसुन की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जी बनके हमारी तैयार है। आप चाहें तो यूं ही गाढ़ा रखें, या फिर पतला भी बना सकते हो, या बहुत गाढ़ा भी बना सकते हो, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से पानी ऐड करो और बनाओ। और इसमें हमने तेज़पत्ता और निकाल लिया है, क्योंकि खाने के समय आगे आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमने सभी को निकाल लिया है। तो चलिए चलते हैं, अब सब करते हैं पूरी पराठे चावल, जिसके साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो बनाएं ज़रूर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।